शादी समारोहों सहित अन्य कार्यक्रमों में अब अनवांछित भीड़ जमा नहीं होगी। समारोहों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार तय संख्या से अधिक लोग पाए गए तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी कभी भी दबिश दे सकते हैं। तेज रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इसके लिए उपमंडल अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि समारोहों में पहुँचने वाले लोगों की संख्या का पता लगाया जाए। एसओपी के अनुसार कार्यक्रम नहीं हो रहा तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। त्वरित प्रभाव से निरीक्षण के लिए उपमंडल स्तर पर टीमें गठित की जाएं। गठित की जाने वाली टीमें समारोह स्थलों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगी। जाहिर है कि इन दिनों कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तेज गति से बढ़ रहे मामलों ने जिला प्रशासन सहित सरकार की नींद उड़ा दी है। वहीं शादी समारोह सहित धार्मिक कार्यों में भी लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते, सैनिटाइजर का प्रयोग करना तो दूर की बात है। यही लापरवाही अब लोगों को भारी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि जारी एसओपी में मास्क का प्रयोग व निर्धारित नियमों को सख्ती से अपनाने के लिए कहा गया है, बावजूद इसके लोग लापरवाही कर रहे हैं। हालात बिगड़ते देख कर अब जिला प्रशासन ने समारोह स्थलों पर जाकर स्वयं निरीक्षण करने का फैसला लिया है। इसमें प्रशासन का साथ पुलिस विभाग देगा। टीमें गठित की जाएंगी जो कि समारोह में पहुंचकर वहां कोविड-19 को लेकर किए गए प्रबंधों का जायजा लेंगी। यदि प्रबंधों में किसी तरह की चूक मिली तो नियमानुसार कार्यवाही तय है। प्रशासन की माने तो समारोहों में रसोई से लेकर कैटरिंग सहित अन्य के कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही मास्क का प्रयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए, तभी कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। लोगों की बढ़ रही मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अब प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शादी समारोहों में यदि प्रशासन को कोई भी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध मिला तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बिना मास्क बेवजह घूम रहे लोगों पर FIR होगी। इसके साथ ही कोरोना के चलते शादी समारोह वाले परिवार को भी पुख्ता प्रबंध करने होंगे। हमीरपुर SDM ने कहा कि कोरोना के केसों में कुछ दिन से ज्यादा इजाफा हो रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी कर दिए हैं। शादी समारोहों में लोगों की भीड़ ज्यादा उमड़ रही है, ऐसे में अब पुलिस की मदद से समारोह स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि जो नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनका उल्लंघन ना हो। उन्होंने कहा कि शादियों में अब 50% लोग ही बुलाए जाएंगे और साथ ही अब शादी समारोहों में लोगों को बुलाने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। अगर कोई भी नियमों की उल्लंघना करता पाया गया तो उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि पिछले कुछ समय से कोरोना के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट से भी डायरेक्शन आई है, जो कि पहले विवाह शादियों में क्लोज स्पेस में 50% की कैपेसिटी तक के लोग बुलाए जा सकते थे और सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 200 थे। अब उसको जो मैक्सिमम आप 100 लोग कर सकते हैं और जहाँ क्लोज स्पेस में वहाँ 50% कैपेसिटी तक ही अलाउ किया जाएगा। इस संदर्भ में सभी उपायुक्त महोदय ने सभी उपमंडलाधिकारियों को आदेश दिए हुए हैं कि जो जो शादियां हैं या त्यौहार आपके उपमंडल में मनाए जा रहे हैं उसका आप उन पर ध्यान रखें और जिसने भी शादी या कोई समारोह मनाना है तो उसको यह जरूरी है कि वो SDM ऑफिस से उसकी परमिशन ले ले। यहाँ से हम उनको बता देंगे कितनी कैपेसिटी उनकी है और उस हिसाब से उनको परमिशन दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिसने बिना परमिशन के या कोविड के जो हमारी गाइडलाइन है SOP है उनको प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है तो उनके लिए हमने फिर उपमंडल स्तर पर यहाँ पर टीमें गठित की गई। उपमंडल हमीरपुर में एक तहसीलदार हमीरपुर की और एक हमारी बमसन में तहसीलदार बमसन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो कि जहाँ जहाँ शादियाँ होगी उनका औचक निरीक्षण करेंगे और या कोई जहाँ त्यौहार होंगे शादियाँ हैं या कोई फंक्शन है उसका औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं भी अपने लेवल पर भी मैं बीच बीच में जहाँ जहाँ उचित होगा वहाँ पर हम औचक निरीक्षण करेंगे ताकि ये देखा जाएगा कि क्या इसकी पालना की जा रही है। अगर कहीं इसमें कोई वॉयलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। और मेरा सभी लोगों से हमीरपुर वासियों से यही अनुरोध है कि कोविड के जो भी SOP है उनका पालन करें ताकि हम अपने आप तो सुरक्षित रह सकें